लोकसभा 2019 के चुनावी संग्राम में छोटे दलों की भी अहमियत बड़ी है। छोटे दलों के प्रत्याशी चुनाव के वैतरणी भले ही पार ना कर पाते हो, लेकिन हर चुनाव में इनकी उपयोगिता बढ़ रही है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के संग्राम में छोटे दलों की उपयोगिता बड़े दलों के लिए अहम होती जा रही है। आइए छोटे दलों की बढ़ती उपयोगिता पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की सत्तारूढ़ भाजपा जहां लोकसभा चुनाव 2019 के रण में अपना दल और सुभाषपा जैसी पिछड़ी जाति की अगुवाई करने वाले दलों के साथ लेकर चुनावी दंगल लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं सपा बसपा गठबंधन भी रालोद के साथ लेकर जाट वोटों को साधने में जुटी है। यही नहीं, कांग्रेस भी कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले अपना दल और कई छोटे दलों के सहयोग से चुनावी दंगल में दो दो हाथ करने की तैयारी कर चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछड़ी जाति के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में अहम मुकाम रखने वाले पूर्वांचल की 24 से ज्यादा सीटों पर राजभर, कुर्मी, निषाद, मल्ला, कुशवाहा, प्रजापति समेत कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें साधे बगैर चुनाव का दंगल जीतना मुश्किल है। कई नेता इन जातियों के नाम पर अपने राजनीतिक पार्टियों का गठन करके हर चुनाव में बड़े दलों से जोड़ तोड़ करने में जुटे रहते हैं। इसका फायदा बड़े दलों को भी मिलता है, इसलिए हर चुनाव में छोटे दलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल का साथ लिया था और दो सीटें जीतने पर पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाकर कुर्मी जाति को संदेश दिया था कि भाजपा उनको सम्मान दे सकती है। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा से गठबंधन करके राजभर जातियों को साधा था। इसका परिणाम ये रहा कि लगभग डेढ़ दशक से सियासत करने वाली सुभाषपा का 2017 में पहली बार खाता खुला और उसके चार विधायकों ने जीत दर्ज की। पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने गठबंधन को बरकरार रखा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि दोनों पार्टियों में खींचतान चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी भी चुनाव दर चुनाव में किसी न किसी छोटे दल को साथ लेकर अति पिछड़ों को साधने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस मर्तबा नफा नुकसान का आकलन कर रालोद को न सिर्फ गठबंधन में शामिल किया बल्कि अपने कोटे से 3 सीटें देकर पश्चिमी यूपी में जाट बिरादरी को साधने की कोशिश की। माना यह भी जा रहा है कि मध्य और पूर्वी में सियासी व जातिगत समीकरण को देखते हुए सपा कुछ अन्य दलों को भी अपने कोटे की 2 से 3 सीटें देकर साथ ला सकती है। फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव के दंगल में बड़े राजनीतिक दलों ने छोटे दलों का साथ एक बार फिर से किया। अब देखने वाली बात होगी कि ये छोटे दल बड़े दलों को इस बार कितना फायदा पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।